भोले बाबा जी की। प्रभु जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आप कैसे हैं? बस बहुत दिन हो गए, ऐसे सुबह सुबह याद आया, मैं कहा भैया को कॉल करें। अरे थैंक यू। रहे थे या उठ गए हो? अरे अब तो कब का, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। अच्छा जी, इतनी जल्दी? 6 बजे? आओ। कितने बजे आते ऑफिस? 7 बजे की अभी ऑफिस की ड्यूटी है। अच्छा अच्छा, टीचर हूँ ना इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, और सब बढ़िया? और सब शुक्ला जी, और मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी, ये जो समिति अकाउंट में 251 रुपए डाल रहे हो, ये आप ही डाल रहे हो हर महीने? नहीं, मैं नहीं डालता। कोई शुक्ला लिख के आ रहा है, लेकिन मैंने वीडियो भी बना के डाला, मैं कहा कौन यात्री ऐसा जिसने डाला हुआ है। नहीं, वो वीडियो मैंने देखा, मैं आपका हर वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो मैं नहीं हूँ सचिन। एक्चुअली कोई यात्री है, वो शुक्ला लिख के आ रहा है उसमें, और लेकिन उसका नाम पता नहीं है। रीजन ये है ना कि अगर वो हमें पता ही चलेगा कौन है, तो उसमें हमें टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अच्छा, ये समस्या तो है। अभी तो मैं नहीं डाल रहा हूँ सर जी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। शुक्ला, बाकी बढ़िया हो सर? आप, मेरा तो भाग खुल गया कि आपसे के साथ फोन पर बात हो गई। नहीं नहीं, भाग क्या खुल गया, भगवान के सब ठीक है। और मैंने आपके लिए एक बात सोची है, सिर्फ एक मिनट। वो जो कबीर का दोहा है ना, वही आपको सूट होता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू भाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिखला बताई। अरे नहीं, आप ही ने मुझे गोविंद के दर्शन के लिए प्रेरणा दी है, सच में आप मेरे लिए गुरु हो। अरे नहीं, बस परमात्मा का आशीर्वाद है, गुरु तो भोलेनाथ जी है सबके, हम तो सेवक आदमी है आपकी तरह ही। लेकिन आप ही के मार्गदर्शन के मुझे गुरु का गोविंद का दर्शन हो गए। जी जी, ये तो चलो आपका बड़प्पन है, आप इतना इज्जत देते हैं, प्रेम देते हैं, बाकी तो सब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी, और सब ठीक ठाक? और सब ठीक ठाक। अगले साल में फिर से मेरी पूरी फैमिली आपके साथ यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। हम भी सोचते हैं कि काम इस तरह से हो कि यात्री जुड़े रहें और यात्रा करें आराम से अपनी, तो हमें भी अच्छा लगता है। इस साल क्या है ना, थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है, वरना तो मैं इस साल गया था। अगले साल में फिर से आपके साथ यात्रा पर आने के लिए तैयार। इस बार तो हम श्रीखंड महादेव भी जा रहे हैं। अरे हाँ, एक कोई जामनगर का एक बंदा था, उसका मुझे फोन आया था कि श्रीखंड महादेव के लिए क्या किया, मैंने आपका लिंक भेज दिया है। ठीक है ठीक है, रहेगा तो मैं उनको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, ओके ओके सर, ओके ओके। और बस ठीक ठाक ना? ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक है मेरे भाई। वो बंदा नहीं मिल रहा था, उसके 251 रुपए हर महीने आ रहे हैं, और एक्चुअली अभी टैक्स का पंगा चल रहा है, तो मैंने 2-3 बार वीडियो बनाया भी, अब वो शायद वीडियो देख ही रहे हैं, तो चलो देखते हैं, कोई ना कोई ढूंढते हैं, फिर हमें मिलेगा।